ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सीलरेशन फॉर ए बॉडी व्हाइल इट्स अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी ऑफ फ्री फॉल। ये दो दो केसेस हैं आपके पास। जब बॉडी ऊपर जा रही है तब एक्सीलरेशन कितना होगा, और जब बॉडी नीचे आ रही तब एक्सीलरेशन कितना होगा। तो दोनों ही केस में जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ ही होगा, मगर जब बॉडी ऊपर जा रही है तब एक्सीलरेशन आप देख रहे हैं तो हम उसको निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब बॉडी नीचे आ रही है तब उसका एक्सीलरेशन +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये चीज समझानी है आपको। फिर नेक्स्ट इज, ए मैन रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 300 मीटर्स एंड रीचेस द अपोजिट पॉइंट इन 100 सेकेंड, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। आपको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आप 300 और 100 से आपने सारा कैलकुलेशन कर दिया। सर्कुलर ट्रैक का जो सर्कमफ्रेंस है वो 300 मीटर दिया हुआ है। अगर सर्कमफ्रेंस 300 मीटर है, ठीक है, तो फिर उसका रेडियस कितना होगा। रेडियस निकालना था, 2πr इज इक्वल टू 300 करके आपको पहले ये सिंप्लीफाई करना था। फिर वो पर्सन है अब अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा है, अपोजिट पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक में भागते हुए पहुंचा है। ठीक है, ऐसे समझे इसको। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कमफ्रेंस 2πr, ये 300 मीटर है। आर कितना हुआ, 300 अपॉन 2π, दैट इज 150 अपॉन पाई मीटर। तो डायमीटर कितना हो गया, ये डायमीटर हो गया 300 अपॉन पाई मीटर, डबल कर दो इसको, दैट इज डायमीटर। अब पर्सन यहां से यहां पहुंचे, पहुंचे के ऐसे चल के पहुंचे, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, डिस्टेंस इज 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 300 अपॉन पाई मीटर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है उसकी स्पीड कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये चीज पूछ रहा है वो आपसे। स्पीड पूछ रहा है सिर्फ आपसे, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 150 मीटर उसका डिस्टेंस कवर हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 150 अपॉन 100, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड ये उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। अपोजिट पॉइंट तक जाते जाते आधा ही उसका सर्कमफ्रेंस कवर होगा। अगर वेलोसिटी यहाँ पे पूछी होती तो हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 3 अपॉन पाई आता उस केस में। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये लैंग्वेज पे आपको खास ध्यान देना है, लैंग्वेज से आपको ये पकड़ना है सवाल पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है।